दोस्तों बड़ी जानकारी आपको देते हैं, हिमाचल में आज से सुक्खू सरकार। जी हां, आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शिमला के रिज मैदान में ये समारोह होने जा रहा है। आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। कौन है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं। राज्य के 15वें मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में 4वीं बार विधायक चुने गए। इस बार बीजेपी के विजय अग्निहोत्री को 3,363 मतों से हराया भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कॉलेज छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। 1989 से 1995 के बीच NSUI के भी वो अध्यक्ष रहे हैं। इसी बीच ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। जरा जानकारी उनसे लेते हैं। ईशा, आज का दिन बेहद खास, जिस पर कशाकशी चल रही थी लेकिन फाइनली नाम पर भी मुहर लगी और आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू का। बिल्कुल, देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर बात करें, उनके मतभेद वीरभद्र परिवार से किसी के साथ छिपे नहीं है। और वीरभद्र की अगर हम बात करें, वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को कभी मंत्री पद नहीं दिया गया। ऐसे में सीधे ही मुख्यमंत्री पद यहाँ पर मिला है। राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हमने देखा था कि जब 8 तारीख को मतदान संपन्न हुआ था, सीधे आलाकमान के पास नतमस्तक हुए थे और अपनी दावेदारी भी यहाँ पर पेश की थी। तो यहाँ पर देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी, जिस तरीके से उनका विरोध लगातार किया जा रहा था प्रतिभा सिंह की तरफ से भी और उनके गुट के विधायकों और समर्थकों की तरफ से भी, इन सब को नदारद करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में प्रदेश की कमान सौंप दी है। यहाँ पर गांधी परिवार ने 1:30 बजे का समय तय किया गया है, शिमला के रिज मैदान में शपथ समारोह होगा। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद की, तो वही मुकेश अग्निहोत्री की अगर हम बात करें, जो ऊना के हरोली से 5वीं बार विधायक जीत कर आए हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूमिका उन्होंने महत्वपूर्ण निभाई है, उन्हें डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाया गया है। तो मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम पद की यहाँ पर शपथ लेंगे। और देखिए, पंजाब और हिमाचल और क्योंकि हरियाणा एक साथ सटा हुआ है, तो ऐसे में पंजाब और हरियाणा के तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। और वहीं इस वक्त बूंदी में मौजूद है, राजस्थान की बूंदी में, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, वहीं पर मौजूद है राहुल गांधी और अशोक गहलोत। और अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो तीनों ही इकट्ठे शिमला पहुंचेंगे और 1:30 बजे शपथ समारोह में शामिल होंगे। और यहां पर क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, वो पहले से ही शिमला में मौजूद है। और तमाम, क्योंकि हम अगर बात करें देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन की अन्य राज्यों में, तो कांग्रेस इस वक्त हादसे पर चल रही है। यही वजह है कि जो हिमाचल में जीत भी दर्ज हुई है, संजीवनी का एक काम किया है, और ऐसे में तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो शिमला पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में आज मंत्रिमंडल, क्योंकि नाम तय नहीं हो पाया है कैबिनेट के मंत्रियों का, बाद में आज दो ही यहां पर शपथ लेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद की और मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम पद की। उसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में मुख्यमंत्री चयन कर लेंगे कि उनके अंडर कौन कौन से कैबिनेट मंत्री होने चाहिए। तो 8 या 9 ऐसे नाम के बेटे हैं और ऐसे में अब जो स्टेयरिंग है हिमाचल प्रदेश की वो उनके हाथों में है। हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर भी संशय बना हुआ है, लेकिन आज का दिन बेहद खास कांग्रेस के लिए भी है। आप भी नजर बनाए रखिएगा जो भी अपडेट होगी अब तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी